हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द लर्निंग वर्ल्ड खान सर ने पहला क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है तो आइए जल्दी से उसे सॉल्व कर लेते हैं पहला क्वेश्चन है एसआई SI पद्धति को मान्यता कब मिली थी तो एसआई SI पद्धति को कब मान्यता मिली 1971 में दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति किस पद्धति को कहते हैं किसे कहते हैं सी को कहते हैं आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है कितनी होती है हमने बात की थी सात होती है एक फर्मी कितना होता है आप याद कर लीजिए एक फर्मी होता है दस की घात माइनस पंद्रह उसके बाद आता है एक पिको कितना होता है तो एक पिको कितना होता है दस की घात माइनस बारह होता है और नैनो देखिए यहाँ पे नैनो कितना होता है दस की घात कितना होता है माइनस का नौ यहाँ पे वो ऑप्शन दिया नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है दस की घात माइनस नौ होता है एक नैनो एक एक्सा कितना होता है दस की घात अट्ठारह होता है तो यहाँ पे भी सही आंसर नहीं दिया हुआ है दस की घात अट्ठारह होता है यहाँ पे आठ दिया हुआ है इसे ही अट्ठारह उन्हें लिखना था लेकिन उन्होंने नहीं लिखा तो दस की घात अट्ठारह होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक टेरा कितना होता है तो टेरा कितना होता है हमने पढ़ा था टेरा होता है दस की घात बारह एक किलो कितना होता है एक किलो यानी हजार ग्राम तो कितना होगा दस की घात तीन एक सेंटी कितना होगा ये भी हमने पढ़ा है तो ये क्या होगा हमारा दस की घात माइनस का दो क्या आता था, था पहले डेसी सेंटी मिली तो ये दस की घात माइनस का दो एक डे का कितना होगा डे का हेक्टा और फिर किलो आते थे तो दस की घात एक होगा ये बारहवा क्वेश्चन है एक मिली कितना होता है तो मिली कितना होगा दस की घात माइनस तीन होगा कोड़ीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है कोणीय विस्थापन कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो क्या होगा इसका मात्रक इसका मात्रक रेडियन होता है अगला क्वेश्चन है एक पार्षिक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है तो किसके बराबर होता है या होता है थ्री पॉइंट टू सिक्स यानी तीन दशमलव दो छः प्रकाश वर्ष के बराबर एक नैनोमीटर कितना होता है अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है एक बटा दस की पावर नौ लिखा हुआ है दस की घात नौ तो ये सही होगा क्योंकि जब दस की पावर नौ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दस की घात माइनस नौ तो हो जाएगा तो ये सही है एक पीकोमीटर कितना ये दस की घात माइनस बारह दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन है एक जूल कितना होता है तो एक जूल कितना होता है वन नैनोमी वन न्यूटन इंटू वन मीटर होता है उसके बाद अट्ठारवा क्वेश्चन आता है पास्कल इकाई है तो पास्कल किसकी इकाई है पास्कल दाब की इकाई है कैंडला किसका मात्रक है उन्नीसवां क्वेश्चन कैंडिला मात्रक है किसका मात्रक है हमने पढ़ा था ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का पारसेक किसकी इकाई है पारसेक दूरी की इकाई है लाइट ईयर भी दूरी की इकाई है लाइट ईयर मतलब कि प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष और पार्सिक किसकी इकाई है दोनों ही दूरी की इकाई है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है किसके बराबर होता है हमने पढ़ा था दस की घात माइनस छः के बराबर होता है फिर बाईसवा क्वेश्चन विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है विद्युत आवेश किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या होता है इसका मात्रक कूलॉम उसके बाद तीसवा क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास विस्थापन की एसआई इकाई क्या है यानी एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है इसकी यूनिट ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन चौबीसवाँ क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है तो आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं किसकी एक समान होती है यहाँ पे इकाई कार्य और ऊर्जा कार्य और ऊर्जा की इकाई एक ही समान होती है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है तो प्रकाश वर्ष किसकी दूरी की इकाई है उसके बाद क्या होता है यहाँ पे प्रकाश की गति भी दिया है बट बिल्कुल भी भूलिएगा मत वर्ष किसकी दूरी की इकाई है नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू फिफ्टीन मीटर होता है वो तो दूरी की इकाई है प्रतिरोध की इकाई क्या है प्रतिरोध किसे कहते हैं रेजिस्टेंस को कहते हैं रेजिस्टेंस को हमने पढ़ा है ओम से डिनोट करते हैं ओम उसकी यूनिट होती है इकाई होती है तो इसका आंसर क्या हो गया ओम नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है तो प्रतिबल किसे कहते हैं प्रतिबल कहते हैं स्ट्रेस को स्ट्रेस किसके बराबर होता है दबाव के यानी कि प्रेशर के तो प्रेशर की इकाई क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो इसका ऑप्शन सी होगा विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या होता है हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट जिसे कहते हैं एम्पियर से डिनोट करते हैं शक्ति इकाई शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है तो शक्ति की इकाई को आप जानते होंगे वॉट कहते हैं पावर जो होता है उसे वॉट में लिखते हैं उसकी इकाई वॉट होती है अगला क्वेश्चन है दबाव की एसआई इकाई क्या होती है तो दबाव प्रेशर को कहते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसकी क्या होती है इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक एटमोस्फेयर किसके बराबर होता है वन ए टी एम तो एक किसके बराबर होता है ये बराबर होता है वन पॉइंट जीरो वन इन टू दस की घात पाँच पास्कल नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य का मात्रक क्या है तो कार्य का मात्रक क्या होता है सभी जानते हैं जूल होता है कार्य का मात्रक नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है मतलब कि कौन आमने सामने सही से नहीं लिखा हुआ है तो पहला क्या है डेसिबल डेसिबल क्या है ध्वनि की प्रबलता इकाई बिल्कुल सही दूसरा अश्वशक्ति ये शक्ति की इकाई है ये भी सही है तीसरा समुद्री मील ये क्या नौ नौ संचालन में दूरी की इकाई है बिल्कुल सही समुद्री मील किसे कहते हैं नॉटिकल माइल कहते हैं डॉब्सन ये क्या ऊस्माई की इकाई है जी नहीं डॉप्सन किसकी इकाई होती है जो हम एटमोसफियर में ओजोन की मात्रा जो मापते हैं उसे हम डॉप्सन कहते हैं वहाँ पे डॉप्सन यूनिट का यूज इकाई का यूज होता है तो डॉप्सन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है चौंतीसवां क्वेश्चन भार की इकाई क्या होती है ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है भार की ईसाई यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन संवेग की इकाई क्या है तो संवेग किसे कहते हैं संवेग कहते हैं मोमेंटम को तो मोमेंटम की इकाई क्या होती है फॉर्मूला होता है एम वी यानी कि मास इनटू वेलोसिटी मास का के जी हो गया उसके बाद मीटर से, पर सेकेंड होता है तो यहाँ पे क्या आंसर होगा बी किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड छत्तीसवां क्वेश्चन पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबा लंबाई की यूनिट क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं वन फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स मिलियन किलो मिलियन होती है ये तो क्या होती है ये वन फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स यानी एक सौ उनचास दशमलव छः मिलियन किलोमीटर जिसे हम डेढ़ सौ किलोमीटर डेढ़ सौ मिलियन किलोमीटर आराम से लिख देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई की के समान है हमने बार बार, बार बात की कार्य की इकाई जो होती है वो ऊर्जा की इकाई के बराबर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन सूची वन और सूची टू में सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए तो यहाँ पे हमें चुनाव करना है तो त्वरण त्वरण किससे मैच होगा यहाँ पे तो त्वरण किससे मैच होगा त्वरण की इकाई क्या होती है मात्र मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक का तीन से मिल गया अब बल की बात करेंगे हम बल का क्या होता है बल का न्यूटन होता है त्वरण का क्या होता है त्वरण का मीटर पर सेकेंड हो गया कार्य का हमने अभी पढ़ा जूल होता है तो आवेग का क्या होगा यानी आवेग यानी इम्पल्स आवेग का मतलब इम्पल्स होता है तो इसका होता है न्यूटन इन टू सेकेंड तो यहाँ पे क्या हो गया एक का तीन दो का चार यानी ए का थ्री बी का फोर थ्री यानी सी का वन और डी का यानी आवेग का टू होगा मतलब कि हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए थ्री फोर वन टू कौन सा है थ्री फोर वन टू पहला ही ऑप्शन थ्री फोर वन टू है तो ये क्या होगा करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बल यानी कि फोर्स की ईसाई SI यूनिट क्या होती है बहुत आसान न्यूटन होती है किलोग्राम टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर माइनस दो की इकाई क्या है तो किसकी इकाई होगी दबाव पहला क्या है हमारे पास दिया हुआ दबाव दबाव की तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है गलत हो गया संवेग की क्या होती है इसकी हमारे पास किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होती है ये भी गलत हो गया ये भी नहीं हो सकता पहला भी नहीं हो सकता गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण त्वरण की इकाई क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हमारे पास चौथा क्या बचा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक इसकी इकाई क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता की इकाई क्या है तो क्या होती है रजिस्टिविटी जिसे कहते हैं ओम मीटर होती है इसकी निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है तो दाब और बल की इकाई तो एक नहीं है दाब और बल अलग अलग हैं बल और गति भी अलग अलग है बल और चाल भी अलग हैं बल और उत्पेक्ष बल की इकाई एक ही होती है नेक्स्ट क्वेश्चन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है किसकी है त्वरण की इकाई होती है यह फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन डैश की इका ऐसा यूनिट इकाई है ऐसा यूनिट न्यूटन है तो न्यूटन किसकी होती है बल की होती है और साथ में वजन यानी कि वेट की भी होती है फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है ऐसाई इकाई है तो ऐसाई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है याद कर लीजिए ये बहुत ही आसान हर जगह कैलविन दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है तो सापेक्ष राशि क्या नहीं है जो रिलेटिव नहीं है यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए त्वरण जो है ये हमारा सापेक्ष नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सेवन उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है अश्वशक्ति यानी कि हार्स पावर जिसे हम लोग कहते हैं हार्स पावर बोलते हैं आप लोग पार्ट उसे बोलते हैं निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है तो यहाँ पे किसकी कोई इकाई नहीं है सापेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जो भी रिलेटिव चीज़ें होती हैं उनकी इकाई कई बार नहीं होती हैं या फिर जो ऊपर नीचे लिखी रहती हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन का माप निम्न में से किसका प्रयोग करके किया जाता है तो किसका लक्स मीटर का कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो हमने अभी तक अपने मेन लेक्चर्स में नहीं पढ़े हैं क्योंकि एक ने नहीं पढ़ा है वो नेक्स्ट लेक्चर में शायद आए तो हम वो, वो आप लोग पढ़ लेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन आवेग का मात्रक क्या होता है हमने पढ़ा था न्यूटन इन टू सेकेंड होता है तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर समाप्त होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो अगर आपको सारे नोट्स चाहिए या पी डी एफ चाहिए तो आप जल्दी से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए धन्यवाद